मीटर के बारे में हम लोग बोले फास्ट मीटर चल रहा है तो वो सब फास्ट चल रहे हैं। भरना नहीं काम था बिल मान्य करते यू तो वाट टिकट वाट लेते हो। हम लोग को क्या बोला वो मीटर हम लोग चेंज नहीं करेंगे वही मीटर रहेगा खाली हम लोग डब्बा लगा रहे हैं। कुछ भी मसाला लेके जाते हैं ना तो वो लोग हमारा सुनता ही नहीं है। पूरा मुमरा एक होकर आना चाहिए इसके इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। तुम्हारा फ्रिज चेंज करो तुम्हारी वायरिंग चेंज करो कहाँ चेक करेंगे फिर तुम बोलेगा घर भी बदली करो कौन सा काम करते भाई इतनी झूठ बात करे आज तक उन्होंने कोई बात सही नहीं करी। हम अकेले की लड़ाई नहीं है ये पूरी जनता की लड़ाई है। पुलिस सर्वे करके तुमको डंडे मारेंगे यहाँ चोर चमार है डंडे मारेंगे आके। ये संजय नगर की जनता अंधेरे में रह लेगी पर ये जो अन्याय हम लोग के ऊपर हो रहेगी ये सहन नहीं करेगी। हमको नहीं है अंदर को भी हम लाएंगे जनता के सामने बात करने के लिए आकर यहाँ पर जवाब देना पड़ेगा। महेश रामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है हम मुमरा के संजय नगर में। आपने लगातार खबरें देखी होगी संजय नगर की कि संजय नगर में टोरेंट पावर का विरोध स्थानीय लोग कर रहे थे और विरोध करने की वजह थी कि उनसे झूठ बोला गया था। जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि उनसे झूठ बोलकर उनका मीटर बदली किया जा रहा था और जो मीटर लगाया जा रहा है टोरेंट पावर की तरफ से उस मीटर को काफी फास्ट चलने की बात यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे थे। कई बार यहाँ पर टोरेंट के कर्मचारी आए और कई बार यहाँ पर पुलिस भी आई लेकिन उसके बावजूद नोटिस भी दिया गया लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। यहाँ के स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और टोरेंट कर्मचारियों को यहाँ से वापस जाना पड़ा मीटर नहीं लगाने दिया जिसके बाद नगर सेवक जो यहाँ के स्थानीय नगर सेवक है मोरेश्वर कीने उनके साथ आज यहाँ पर मीटिंग ली गई क्योंकि उन्होंने टोरेंट अधिकारियों से मुलाकात की है। जो यहाँ जनता आप देख रहे हैं इन जनता की तमाम समस्याओं को लेकर टोरेंट अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की और बातचीत की कि क्या इस मसले पर बात सामने आई है हम उन्हीं से बात करते हैं और इस मीटिंग जो आज यहाँ पर मीटिंग लिया गया था इस मीटिंग से क्या यहाँ के स्थानीय लोग संतुष्ट हैं क्या अब मीटर टोरेंट पावर को लगाने की इजाजत देंगे या नहीं देंगे ये तमाम मसलों पर हम संजय नगर के रहवासियों से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो स्थानीय नगर सेवक मोरेश्वर कीने हैं उनसे बात करते हैं कि क्या कहेंगे आप जिस तरह से गए थे आप टोरेंट के कर्मचारियों से अधिकारियों से मुलाकात की यहाँ के जनता की समस्याओं को आपने बताया तो क्या आपको वहाँ से आश्वासन दिया गया। 8 दिन पहले मुझे निवेदन दिया गया था संजय नगर के लोगों की तरफ से कि टोरेंट आके जबरदस्ती हमारा MACB का मीटर निकाल के उनका नया मीटर लगाया गया तो उस सिलसिले में मैंने MACB के अधिकारियों से बात किया था और उनको लेटर भी दिया था कि बाबा आप ये सबसे पहले ये काम रुकाओ नया मीटर लगाने का। रूपाली ताई ने भी निवेदन दिया था। आज मैं राजन कीने साहब मैं मुरेश्वर कीने और रूपाली ताई हम तीनों मीटिंग में गए थे। आज उनके साथ मीटिंग हुआ हमने उनके पास मुद्दे रखे कि जो नया मीटर आया है वो फास्ट चल रहा है वो फॉल्टी है आप जल्द से जल्द उसे वो काम रुकाओ और वो मीटर बदली करो। लोगों का कहना है जो MACB का जूना मीटर है वही हमें चाहिए ये नया मीटर नहीं चाहिए ये मांग हमने उन तक रखी। लेकिन वो क्या बोल रहे कि अगर ये मीटर फॉल्टी है तो आप गवर्नमेंट टेस्टेड MACB का या किसी का भी मीटर लाके इसके बाजू में लगाओ और उसका रीडिंग और इसका रीडिंग इसमें कुछ फर्क आया तो फिर हम उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। महावितरण का जो मीटर लगा हुआ था तो वो क्यों निकाल रहे हैं अपना मीटर क्यों वो लगाना चाह रहे हैं इसके बारे में क्या बताएं? वो कह रहे कि अभी डिजिटल मीटर सब जगह चल रहा है और वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है इसके लिए हम उसको निकाल रहे वो उसका पूरा खुलासा नहीं कर रहे। अच्छा यानी जो महावितरण की तरफ से लगाएगा तो वो उसमें फॉल्ट है क्या? टेक्निकल प्रॉब्लम है बता रहे और सब जगह डिजिटल मीटर का अभी ये चल रहा है तो हिसाब से हम भी मीटर चेंज करके डिजिटल मीटर लगा रहे। डिजिटल क्या है उसमें मीटर में क्या डिजिटल? मीटर अभी वो जो रीडिंग के हिसाब से जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है सब जगह बोले कल्याण में भी मीटर चेंज कर रहे हैं इधर भी तो वो हिसाब से हमारे इधर का जो MACB के मीटर में फॉल्ट है वो हिसाब से हम चेंज कर रहे हैं। तो आप स्थानीय लोग जो यहाँ के हैं इन लोगों से बातचीत किए इन लोग सहमत जता रहे हैं मीटर लगाने देंगे नहीं लगाने जो जवाब थे उससे सहमति तो पूरी तरह से हुई नहीं है। अच्छा उन्होंने जो आपको जवाब दिया आप सहमत हो? उससे सहमत तो नहीं है मैंने उनको एक ही बोला आप लोगों की मांग ये है कि आप पुराना मीटर लगा दो और नया मीटर निकाल दो मीटर नया लगा मत उसको रुकाओ। अगर आपको नया मीटर लगाना है तो जो लोगों की शंका है कि वो फास्ट भाग रहा है उसको दूर कीजिए पहला फिर आप नए मीटर के लिए सोचिए। अगर उनकी शंका दूर होता है लोगों का
लोगों को इससे सेटिस्फेक्शन होता है तो आप जरूर और मीटर लगाएं। यूनिट जो रेट बताया उन्होंने, क्या बताया यूनिट रेट, किस तरह से यूनिट रेट आएगा उनका, क्या बताया? 100 यूनिट तक उनको 3.44 रुपया आएगा और 100 यूनिट के बाद 300 तक 7.42 रुपया ऐसा यूनिट का रेट बताया उन्होंने। 3.43 रुपया तो स्थानीय लोगों का कहना है कि उनका मीटर फास्ट चलता है, तो ये कैसे वो साबित करेंगे कि हमारा मीटर जो है फास्ट नहीं है, जो सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त है सही मीटर चल रहा है, ऐसा वो कैसा लोगों को विश्वास कैसे दिलाएंगे? अभी मैंने उनसे यही बात किया कि आप आओ, लोगों का सेटिस्फेक्शन करो कि ये मीटर फास्ट नहीं चल रहा है, उसका रीडिंग फास्ट नहीं भाग रहा है, तो बोले ठीक है हम फिर मीटिंग करेंगे इस बारे में और आपसे ये करेंगे। और उसके लिए उन्होंने अच्छा, इस पर बात की आपने कि लोगों से, यहाँ जो महिलाएं हैं और भी जो लोग हैं, इन लोग कहना है कि वो झूठ बोलकर जो है मीटर बदले किया गया, तो इस पर क्या आपने बात की है उनसे? देखो हमने ये भी बोले कि आपने पहला मीटिंग लिया तो अभी नगर सेवकों को आपने इन्वाइट करके उनको बताया कि टोरंट आ रहा है मुमरा में, जब आप हमारे प्रभाग में आप मीटर चेंज करने जा रहे हो तो आप हमको विश्वास में लेना चाहिए ना आपने हमको, तो बोले नहीं हमारी गलती हो गई है, ये एक्सेप्ट कर रहे हो। जैसे महिलाओं का आरोप है कि मीटर उनका फास्ट चलता है, तो आपको क्या लग रहा है कि आपको आश्वासन दिया गया है फास्ट नहीं चलेगा, तो क्या आप गारंटी लेते हैं ऐसा तमाम महिलाओं का कि ये मीटर उनका फास्ट नहीं चलेगा? अगर इतने लोगों की तकलीफ है, इतने लोगों का कहना है कि मीटर फास्ट चल रहा है, तो उसमें कुछ तो भी रहेगा, खराबी रहेगी या टेक्निकल कुछ तो रहेगा, इसके लिए लोग बोल रहे हैं। आज लोगों को तकलीफ है, इसके लिए लोग रास्ते पे उतरने के लिए भी तैयार है, तो आप, मैं उनसे एक ही निवेदन किया कि आप ये फास्ट रीडिंग चल रहा है उससे आप उसमें से कुछ तो भी लोगों की शंका दूर कीजिए। अगर तुम उनको विश्वास दिलाओगे कि ये मीटर जैसा MSEB का चल रहा था वैसा ही हमारा चल रहा है, तो लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। आप क्या कहेंगे जिस तरह से आज टोरंट के लिए मीटिंग रखी गई, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, कहीं ना कहीं लोग राजी नहीं है टोरंट का मीटर लगाने के लिए, आप लोग यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं, तो क्या आश्वासन दे रहे हैं, लोग आपकी बातों को मानने के लिए तैयार है या नहीं? पहली बात तो ऐसी है कि टोरंट जो कंपनी है वो अपनी यहाँ की नहीं है, पूरा भिवंडी, मैं इनसे बात कर रही हूँ तो इनसे ही बात करनी है, तो प्लीज बीच में टोको मत। तो ये थाना भिवंडी कल्याण सब जगह पे टोरंट है, और बिल का जहाँ तक मसला है वो मसला भी उन लोग ने, मैंने तो सीधा उनको दोपहर में मैंने लेटर दे दिया, और ये लेटर आप पढ़ सकते हैं सज्जन इसमें, कि जो मतलब इसमें लिखा है मैंने, मतलब जिसका ज्यादा बिल है वो बिल। और दूसरी बात तो नए मीटर जिसके पास, जिसने डायरेक्ट कनेक्शन किया है उनको तुम कम दाम में नए मीटर दे दो। और तीसरी बात तो ऐसी है कि तुम्हारा मतलब जो भी कुछ है ग्राहक का जो भी मतलब मसला है तुम लोग अगर सॉल्व करते हो तो अच्छी बात है, ना तो फिर मैं तो मेरी जनता के साथ में हूँ। यहाँ पर और भी तमाम जो है महिलाएं हैं यहाँ के स्थानीय रहने वाले, उनसे भी हम बात करेंगे कि जिस तरह से नगर सेवकों ने आज यहाँ पर मीटिंग ली थी, क्या इनकी मीटिंग से ये संतुष्ट है, अब टोरंट पावर को यहाँ मीटर लगाने की इजाजत देंगे, ये लोग क्या कहेंगे आप लोग? अभी इन लोगों ने जाके जब वहाँ पे बात किया है और बोलते हैं तो वो तो गारंटी देने वाले नहीं है, हमको तो विश्वास नहीं है, नहीं झूठा लगाने देते हैं, विश्वास ही नहीं है। अभी देखो कल ही इन लोग आके यहाँ पे गए, बात क्या कर रहे थे और बात अभी क्या सुनने में आ रही है, तो क्या इन पे विश्वास करेंगे? अभी सबके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि दो दो लाइन लेके रखे हुए, अभी अगर ये झूठ निकला तो ये लोग क्या जवाब देंगे हमको? मेरा नाम लेके बोल रहे कि फातिमा के घर में बोले दो लाइन लगी हुई है करके, और हम लोग को बोल रहे थे कि सबके घर में चार चार लाइन लगी है तो तुम लोग बोले देखते नहीं है, मैंने हम क्यों देखेंगे, तुम पगार लेते हो ना तुम चेक करो ना, और अभी हमारे तो कभी जिंदगी में दो लाइन नहीं हुई है, और मेरा नाम लेके बोले फातिमा के घर में दो लाइन लगी हुई है करके, तो अभी तुम उसका जवाब देना पहले मेरे को, मैं तो जवाब पूछने आऊंगी जरूर। हाँ तो जो तुमको काम करना है वो पहले तुम काम करो ना, जो हमारी तकलीफ है वो पहले तुम देखो, एक दूसरे पे इल्जाम मत लगाओ। मीटर के बारे में हम लोग बोले फास्ट मीटर चल रहा है तो वो सब फास्ट चल रहा है, बहुत कम है, दो एक दो जन का कोई होगा जो स्लो चल रहा है, हाँ किसी का भी नहीं है ना, किसी का भी नहीं है, सबका फास्ट चल रहा है, वो प्रॉब्लम पहले हल करके दे दो।
हमको और कोई लेकिन जो नगर सेवक हैं आपके ये गए हुए थे वहाँ पर बातचीत करके आए, आप लोगों से भी अभी बताए हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि आपके नगर सेवक जो है वो बात करके आए? वो अपना बराबर बात करके आए, वो अपनी तरफ से बराबर बात करके आए उन्होंने, मगर सामने वाले पे हमको विश्वास नहीं है। वो हमको विश्वास दिलाए कि मैं मीटर लगा रहा हूँ तो हमारा मीटर सही चलेगा, जितना हमारा चलता है ना यूनिट जो है ना सही तरीके से चलेगा, उसमें हम लोग संतोष है। अच्छे से यानी स्लो में चलना चाहिए, यूनिट जो है बराबर सही से, जो बीएमसी का चलता था तुम अभी उनका इल्जाम लेते कि बीएमसी का जो मीटर है वो एमएससी का जो मीटर है वो गलत था, फॉल्टी था, और ये सही है, ऐसा नहीं है। जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता था कोई, हाँ किसी के पास पैसा नहीं है, कोई नहीं भर पाता था एक महीना दो महीना तो वो बिल बढ़ जाता था ज्यादा, किसी पगार का मैं बिल ज्यादा आ जाता तो भी हम लोग वहाँ जाते थे तो वो लोग हमको कॉम्प्रोमाइज करते थे कि नहीं चलो इतना है ना तो तुम तीन भाग में चार भाग में थोड़ा थोड़ा कर। क्या माना जाए जो ये मीटिंग हुई ये बेनतीजा है, इसका कोई हल नहीं निकला, ये लोग हमको विश्वास नहीं दिलाएंगे सही तरीके से करेंगे नहीं, अब तक विश्वास नहीं आएगा। अरे कुछ भी हो हम लोग धोरण नहीं चाहिए, हम लोग का मीटर ही चाहिए, क्योंकि जो भी है बेटा चट्टी रोटी का हम लोग भरते, इतने इतने बिल हम कहाँ से भरेंगे, आप ही बोलो ना, पगार इतना है ना कमाने वाला कोई है, तो हम लोग को सिर्फ आपसे एक ही विनती है, हम लोग को थोड़ा नहीं चाहिए, बस हम लोग को मीटर दिला, हम लोग को क्या बोला वो मीटर हम लोग चेंज नहीं करेंगे, वही मीटर रहेगा, खाली हम लोग डब्बा लगा रहे हैं, ये गलत है ना बेटा, तुम बोलोगे एक और करोगे एक, ये कहाँ का इंसाफ है, और इतनी रीडिंग मांग रहे है ना कि पूछो मत, सांगा तुम्ही सांगते ना त्यांनी काय बोलल होतं, आम्ही मीटर बदलणार नाही, तुमचा जुनाच मीटर लावणार, चोरून केसा निकाळा कापतात काय, असे असतात काय, कुणी नगर सेवक का बिल भरणार आहे, भरणार आहे का आमचा बिल, तर आम्ही मान्य करतो, येऊ जेव्हा वाढतो किती वाढतंय तेवढं, आमचा बिल आम्ही भरणार ना, मग आम्हाला ते करंट पाहिजे नाही आहे, 3.5 रुपयानेच आम्ही बिल भरणार, याच्या पुढे 1 रुपया भरणार नाही, काय पण असू दे हमको करंट नाही चाहिए, करंट आम्ही भरणार नाही, त्यांना आला काय चूर करणार, अभी मीटिंग हुई यहाँ पर, आपके नगर सेवक ने बताया कि ऐसा ऐसा बात है, अधिकारी से वो बात करके आए हैं, तो आप लोगों को मीटर लगाने के लिए मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो क्या इस मीटिंग में आप लोग सहमत हो? नहीं नहीं हाँ हम सही है, हमको करंट चाहिए नहीं है, मीटिंग में सही चाहिए नहीं है, जो बोलेंगे हम लोग एग्री करेंगे, लेकिन वी वांट ओनली आवर ओल्ड मीटर, क्या बोला मालूम है क्या, तुम्हारा फ्रिज चेंज करो, तुम्हारी वायरिंग चेंज करो, कहाँ से करेंगे, फिर तुम बोलेगा घर भी बदली करो, कौन सा कानून से भाई। अभी यहाँ पर मीटिंग हुई टोरेंट को लेकर, अभी भी लोग यहाँ मौजूद है, लेकिन कोई नतीजा इसका निकल कर नहीं आ रहा है, लोग मीटर लगाने के लिए राजी नहीं है टोरेंट का, तो क्या आप लोग इस पर आगे इसी तरह विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे या फिर नया मीटर टोरेंट का है वो लगाने के लिए राजी होंगे? नहीं, ऑब्वियसली हम लोग राजी नहीं हो गए, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल जब न्यू मीटर आ रहे थे इन लोग ने कहा कि जो भी ओल्ड मीटर्स है वही रहेगा, बट विदाउट परमिशन, हम लोग को कोई नोटिस नहीं मिला है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ गलती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को नोटिस देना चाहिए था, कोई नोटिस नहीं मिला, हमसे किसी ने डिस्कशन किया नहीं और वैसे ही मीटर लगा के गए, हम लोग का मीटर लगा है 2 तारीख को, 2 दिन तक लाइट नहीं था, तब से लेकर अभी तक 180 यूनिट जल चुका है, और आप बताइए ये बता रहे हैं कि एज कम्पेयर टू ओल्ड मीटर यूनिट इक्वल है, तो इतने 10-12 डेज में 180 यूनिट कैसे हो सकता है, जब हम लोग का इस्तेमाल वैसा है ही नहीं। पहले हमारे घर में करंट आया, मीटर की वजह से आया, मैंने इनके कर्मचारी कोरोना वाले लोग को हम लोग फोन किए, मगर वो लोग आए हाथ नहीं लगाए, घर में 2 लोग को करंट लगा, मेरी बेटी को लगा, बड़ी बेटी को लगा, छोटी बेटी को लगा, बाजू में उनको इतने जोर से करंट लगा कि वो गिर गए, तोरंग वाले ने हाथ नहीं लगाया उसका कर्मचारी ने, तो वो क्या बोलता, तुम्हारे वायरिंग में फॉल्ट है, तुम्हारे पंखे के अंदर फॉल्ट है, हाथ नहीं लगाया उसने, छोड़ के चले गया, फिर मैंने अभी क्या मसला यहाँ पर था, मैंने मीटिंग हुई मगर इससे हम लोग ना, हम लोग सहमत नहीं है इससे, बिल्कुल नहीं सहमत है हम लोग इससे, समझे ना, आपका विरोध जारी रहेगा? हाँ विरोध जारी रहेगा, हम लोग बिल्कुल नहीं सहमत है, ये जो मीटिंग हुआ ये मीटिंग हम लोग को बिल्कुल भरोसा नहीं है। आप शहर के जो नेता है उनके बारे में क्या कहोगे? अब उनके बारे में मैं क्या बोलूँ आपको, हमारे लिए उन लोगों ने किया कुछ भी नहीं किया,
हम लोग ने कुछ भी मसाला लेके जाते हैं ना तो वो लोग हमारा सुनते ही नहीं है। पहले मैं पूछी उनसे कि आप लोग हमारे नगर सेवक लोग के पास जा के आए क्या, हम बोले चारों नगर सेवक से इजाजत ले लिया है, उन्होंने हमको परमिशन दिया बोल के हम लगा रहे, इस वजह से हमने घर तक मीटर लगा दिए, मगर हमारे नगर सेवक ने कोई ने भी जबान नहीं दिया है, ना कोई ने कुछ बोला नहीं, हमको मीटर चाहिए नहीं, उन्होंने बगैर परमिशन के हमारे घर खराब करे, हमारे रास्ते खराब कर दिए, हमको नहीं चाहिए, उनका मीटर चाहिए ही नहीं। अभी तो बातचीत करके आए ना, अभी क्या राजी है? नहीं है, राजी नहीं है, नहीं है, नहीं है, हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। उनका तो कहना है, टोटल पावर का कहना है कि जो गवर्नमेंट रेट है वही रेट वो लगा रहे हैं, ज्यादा नहीं लगा रहे ना, तो फिर क्यों नहीं लगाने दे रहे हैं? झूठे लोग है वो झूठे लोग हैं, इतनी झूठ बात करे, आज तक उन्होंने कोई बात सही नहीं करी, ये तक बोले उन्होंने तुम्हारा पुराना सामान है पावर बहुत खींचता, तुम सामान बदली करो, ये भी बोले अगर तुम लोग हमारा नहीं सुनेंगे तो पुलिस कार्रवाई करके तुमको डंडे मारेंगे, ये भी बोले हम चोर चमार है डंडे मारेंगे आके, क्या किसी का खाए डंडे मारेंगे? हमको बोला नहीं, हाँ ये कोई दम देने वाली बात है, बोलो तुम यूनिट का जरा उनको बोलेगा कि अगर मीटर लगता है तो यूनिट सिर्फ तीन यूनिट गिनना चाहिए, तीन यूनिट से अभी महीने का 90 हो गया यूनिट, तो फिर भी चलो एक्सेप्ट करेंगे लोग, चलो ठीक है, हाँ तुम अभी डायरेक्ट तुम्हें 5, 7 और 3 दिन में 70-70 यूनिट गिर रहा है, तो कैसे भरेंगे लोग? 100-150 यूनिट हो जाएंगे तो कहाँ से भरेंगे पब्लिक? उनका भरोसा भी नहीं है, अभी बोलेंगे हाँ हम कम करते, 2-4 महीने में हमारे खंभे काट देंगे, उनकी लाइन चालू हो जाएंगे, उन्होंने मीटर बढ़ा दिया, हम कहाँ जाना, फिर कहाँ जाना हम बोलो तुम? अच्छा दीपक भाई, आप क्या कहेंगे, आज यहाँ पर मीटिंग हुई, आप सहमत हैं क्या मीटर लगाने के लिए, राजी हैं? जी नहीं, जी नहीं, यहाँ पर तो मीटर लगाने के लिए हम कहीं भी पूरे संजय नगर वासी आए, ये कोई हम अकेले की लड़ाई नहीं है, ये पूरी जनता की लड़ाई है, ये पूरी संजय नगर की जनता एक होकर टोरेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, ये टोरेंट सबसे पहला तो मीटर चेंज कर दी हम लोग के इधर का, नया मीटर लेके आ गई है, वो नया मीटर इतना फास्ट भागता है कि घर में कोई कमाने वाला नहीं है तो फिर वो बिल कहाँ से भरेगा? ये संजय नगर की जनता अंधेरे में रह लेगी, पर ये जो अन्याय हम लोग के ऊपर हो रहेगी ये सहन नहीं करेगी, सहन करेगी क्या? नहीं करेगी, अंधेरे में रह लेगी पर सहन नहीं करेगी। संजय नगर की जनता है, ये टोरेंट पावर का बिल नहीं भरेगी, जब तक हमारे मुद्दे क्लियर नहीं होते तब तक टोरेंट पावर का बिल हम नहीं भरेंगे, संजय नगर की जनता अंधेरे में रह लेंगी, रहेंगे कि नहीं रहेंगे? संजय नगर की जनता अंधेरे में रह लेगी पर अन्याय सहन नहीं करेंगी, ये सीधा सीधा गरीबों के ऊपर अन्याय है, यहाँ पर जो स्टैटिस्टिक मीटर बिठाया गया है हमको नोटिस देते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बाद में बता रहे हमको, मीटर बिठाने से पहला आपने रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों नहीं बताए, यहाँ पर क्या सब पढ़े लिखे है क्या? लगाने के बाद आप नोटिस देंगे, पहले आप आकर क्यों नहीं बात करते? यहाँ पर तो आज नगर सेवक आए बात करने के लिए, इसके आगे आमदार को भी हम लाएंगे जनता के सामने बात करने के लिए, आकर यहाँ पर जवाब देना पड़ेगा। हम अभी आप लोग राजी नहीं है किसी भी तरह का, नगर सेवक आपके मिलकर आए, टोरेंट पावर के जो अधिकारी उन्होंने लोगों ने बताया कि जो गवर्नमेंट उनका चार्जेज है वही चार्जेज लगाया जा रहा है, तो आखिर क्या वजह है ऐसी कि जो आप नहीं राजी हैं? वजह इसकी ऐसी है कि अगर यहाँ पे सब है ना, एक लेबर रहता है, एक लेबर तबका रहता है, हेल्पर रहता है, कोई घर काम करने वाला है, कोई भिखारी काम करने वाला है, कोई किसी रोज कमा के रोज खाने वाला है, यहाँ पर कैसा भरेगा ये बिल? अगर आपका यूनिट पर चार्जेस इतना फास्ट भाग रहा है, 200-200, 300-300, 400-400 यूनिट के ऊपर गया तो आप 10 रुपए रेट लेंगे, तो यहाँ पर तो सब रोज कमा के रोज खाने वाले कहाँ से बिल भरेंगे इन लोग? अगर ये संजय नगर में ऐसा हो रहा है तो बाकी जगह पे ये पूरा मुमरा एक होकर आना चाहिए, इसके खिलाफ लड़ना चाहिए, ये गलत है, यहाँ पर हमें सरासर लूटा जा रहा है, गरीब जनता को लूटा जा रहा है, कहीं पानी का प्रॉब्लम है तो कहीं ये लाइट से लूटा जा रहा है, ये क्या हो रहा है? ये संजय नगर में यहाँ पर मोटर बिना मोटर के ऊपर तक तो पानी आता नहीं है, तो मोटर लगाओ तो मीटर फास्ट भागेगा तो बिल भरना पड़ेगा तो कमाना पड़ेगा, तो इस क्या घर के पूरी फैमिली को हम काम पे भेजने का? एक खास करके फिर एक आदमी को रखना पड़ेगा भाई घर के, कि जाओ बाबा ये टोरेंट का बिल भरने का है, इसके लिए जाओ काम करो और काम पे से आओ, और हर महीने का पगार ये टोरेंट के बिल में भरो। यानी कहीं ना कहीं आप लोग जो है इस पर सहमत
नहीं है, तो कहां तक आपका आंदोलन ये जारी रहेगा? ये आंदोलन हमने यहां पर स्थानीय नगर सेवकों को इसलिए बुलाए है कि हम आंदोलन करने वाले, आप हमारा साथ देने वाले है क्या नहीं, इसीलिए हमने यहां पर बुलाए थे। क्या बोले, साथ देंगे? वो अभी बोलेंगे साथ देंगे, आप लो बाइट उनका साथ देंगे क्या नहीं देंगे यहाँ पे। मुनेश्वर भाई, जिस तरह से यहाँ के लोग हैं वो कह रहे हैं कि आप इस लड़ाई में टोरंट के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, क्या आप इनका साथ दोगे? जब तक लोगों का मसला हल नहीं होता तब तक मैं उनके साथ में हूँ, क्योंकि उन्होंने हमके चुन के दिया है, हम उनके रिप्रेजेंटेटिव है, तो उनको साथ देना है यही सब हालात में हमारा फर्ज बनता है, तो हम उनके साथ में जब तक इसमें से कोई टोरंट कंपनी हल नहीं निकालती, कोई मसला ये जब तक हल नहीं होता तब तक हम मुलाकात भी करके आए, लेकिन फिर भी लोग मानने को राजी नहीं है, विरोध ही कर रहे हैं। अभी तक उसमें से कोई सोल्यूशन ही नहीं निकला, तो लोगों को हम क्या बताएं कि पुराने मीटर वापस लगेंगे या नए मीटर लगना बंद होएगा, तो उसमें से कोई सोल्यूशन ही नहीं निकला, वो मीटिंग का कोई हल ही नहीं निकला, तो हम क्या बताएंगे लोगों को। तो आपने सुना कि जिस तरह से जो मुरेश्वर किन्हे नगर सेवा को वो जो है टोरंट के अधिकारियों से मुलाकात करके आए थे और यहाँ के लोगों को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग समझने को राजी नहीं है। उनका साफ कहना है कि टोरंट पावर का जो मीटर है वो काफी फास्ट चलता है, हालांकि टोरंट पावर की तरफ से जो यहाँ के नगर सेवक गए थे उन्होंने जानकारी दी कि जो रेट है वो फिक्स रेट सरकार द्वारा जो जारी किया गया रेट है वही रेट है, यानी 0 से 100 यूनिट तक 3 रुपया 46 पैसा है और 300 यूनिट तक 7 रुपया 43 पैसा है, इसके अलावा 500 यूनिट तक 10 रुपया 32 पैसा, ऐसा उन्होंने रेट कार्ड इन्हें बताया है कि इस रेट कार्ड से जो है उनका मीटर चलता है, लेकिन जो स्थानीय लोग है वो कहीं ना कहीं मानने को राजी नहीं है। उनका साफ कहना है कि टोरंट पावर का जो मीटर है वो काफी फास्ट चलता है और खास तौर पर इनकी मांग ये भी है कि इनका कहना यह भी है कि जो एमएसबी की तरफ से मीटर जो लगाया गया था, महावितरण की तरफ से जो मीटर लगाया था, झूठ बोलकर, ऐसा आरोप इन लोगों का कि झूठ बोलकर टोरंट के कर्मचारी जो है वो मीटर यहां से निकाले और अपना नया मीटर टोरंट का लगाने की यहां कोशिश की, जिसके बाद मुंब्रा के संजय नगर में टोरंट पावर के विरोध में बिगुल बजा और लगातार आज तीसरा बार ये है जो संजय नगर इलाके के लोग इस तरह से विरोध टोरंट पावर के खिलाफ जो है कर रहे हैं। आज यहाँ पर हालांकि मीटिंग रखी गई थी, लेकिन नजारा वही देखने को मिला, लोग टोरंट पावर के खिलाफ है, यानी जो यहाँ पर मीटिंग हुई इसका कोई भी नतीजा निकलता हुआ सामने नहीं आया। कैमरामैन जफर के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंब्रा।